this is asif hasan the english language trainer and educationist once again i have been right here with the episode of flyfala today i have brought to you another very important episode of flyfala it's going to be very handy for all you people who are watching me time to time i'm very thankful to rest of you people who have uh, motivated me for uh, making uh, such uh, you know informative video for you and uh, it's going to be very handy and informative i hope you are going to enjoy this video today i'm going to discuss and i'm going to highlight some of the very important and relevant point regarding uh, the deo of uh, dadu he is a kind of uh, no doubt uh, he can be uh, what may call it uh, inc included in such people uh, who can be called no doubt a black sheep and uh, he has also uh, turned out to be like that, and uh, let's see uh, what's gonna be next uh, and uh, how uh, he is going to do the things uh, on account of corruption. Uh, already, uh, the you know society of our country seems to be corrupted. And today, I am going to highlight his uh, what may call it uh, monster face, uh, and I am gonna bring into your knowledge some of the very important and relevant point regarding him. एंड आई एम discuss about डिस्कस अबाउट डी ओ दादू जैसे कि आपको पता है कि आज का जो मैंने टॉपिक uh, सिलेक्ट किया है ये कॉमेंट मुझे मिला और कॉमेंट के साथ साथ मुझे कहीं से uh, ये न्यूज़ भी मिली मेरे रिसोर्सिस के मुताबिक आई गॉट टू नो अबाउट द आइडिया एंड देन आई for दिस वीडियो फॉर यू you will enjoy this video and uh, today you will come to know about each and every fact what is happening in the province of Sindh uh, and how things are being done. हाँ सो हे वी गो आई एम गोइंग गोइंग टू हाई बिफोर दैट मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें इसको शेयर भी करें इसे इस लाइक भी कीजिए दादू के डी का बड़ा कारनामा सामने आया है जो कि मैं अपनी जबानी आपको बताना चाहता हूँ उन्होंने जो डिसबल की लिस्ट शो की है आ, मैं वो लिस्ट भी इन वीडियो में आपको दिखा दूंगा अब मेरी वीडियो में भी आप देख सकेंगे मैं डिस्प्ले कर दूंगा इसको इसमें बहुत सी आ, नाम ऐसे हैं जिनका आई की लिस्ट में नाम ही मौजूद न था इन्होंने अपने सी और डिसेबल सर्टिफिकेट कट ऑफ डेट के बाद बनवाए हैं और इससे ये पता चलता है कि दादू के डी साहब पॉलिसी की ख़िलाफ़ वर्जी कर रहे हैं तो ये खिलाफ वर्जी कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं अपने मफादात की खातिर यकीनन कर रहे हैं और लोगों को भी वक़ूफ़ बना रहे हैं तो इनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाना चाहिए लिहाजा इन लोगों की जांच की जानी चाहिए अगर जांच नहीं होगी तो ऐसे लोग यकीन बच निकलेंगे डी e. के खिलाफ सेक्रेटरी साहब को जो है वो सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए ये भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अहम मुद्दा था जिस पर मुझे डिस्कशन करना था जैसे कि आप देखें ना डिस की लिस्ट को शो किया गया और आप देखें ना अब क्या होगा आगे जब हमारे यहाँ डी जो हैं वो इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे और चीज़ों को जो है वो जो है वो करप्शन का निशाना बनाएंगे और करप्शन करेंगे उनमें तो कैसे सिस्टम में कामयाबी होगी और कैसे लोगों की जो है वो कामयाबी सौ फीसद होगी तो सिस्टम जो है वो आप देख ही रहे हैं कि दादू के डी के कारनामे आप देखिए सेक्रेटरी साहब एक का बहुत ही ज़बरदस्त उनका डेजिग्नेशन है अकबर लगारी साहब का उन्होंने हमेशा ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ जो है वो एक्शन भी लिया है और प्रीवियस वीडियो में भी आपको मैंने बताया था कि डी ओ साहब जो है वो अदालती कार्रवाई तक जो है वो जाने के लिए तैयार हैं इन लोगों की हरकतों की वजह से तो ये सब चीज़ें जो ये कर रहे हैं इससे किसका नुकसान हो रहा है हमारे उन लाइक कैंडिडेट्स का जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया और बहुत स्ट्रगल किया और उसके बाद जो है वो आज उनको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इस वीडियो को आप शेयर कीजिए लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा ताकि लोगों में अवेयरनेस आए कि हमारे यहाँ चीज़ों को किस तरह से किया जा रहा है हाउ थिंग्स आर बीइंग डन और किस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है हाउ पीपल आर बी मेड फूल तो ये एक कहने का मकसद ये है कि हमारे गवर्नमेंट की नाहली भी है कि इस तरह के लोगों को जो है वो इतनी ज़बरदस्त किस्म की डेजिग्नेशन मिल जाती हैं जो उस डेजिग्नेशन का बहुत ही घिनौने तरीके से और घटिया अंदाज के साथ जो है इस्तेमाल करते हैं और ना सिर्फ उसका इस्तेमाल करते हैं बल्कि माशरे में जो है वो सिस्टम को करप्ट करते हैं और ये नहीं सोचते कि ये दुनिया आजी है यहाँ पर अच्छे काम करने का सिला अच्छा है और बुरा करके जाएंगे तो फिर वो खुद ही भुगतेंगे लेकिन फिर भी इनमें थोड़ी सी शुरूर की कमी है एजुकेशन के साथ साथ जो है वो इनमें थोड़ी सी गैरत भी नहीं है हया भी नहीं है तो अब ये चीज़ें हमारे जब सामने आती हैं तो हमें बड़ा दुख होता है कि हमारी आ, मुल्क के जो आ, लाइक अवाम हैं जिन्होंने टेस्ट दिए जिन्होंने मेहनत की तो अब देखें ना उनको उनका हक ना मिले तो फिर आ, उसमें रुकावट तो यही लोग बन रहे हैं ऐसे लोग बन रहे हैं जो इतनी अच्छी डेजिग्नीशन्स पर मौजूद हैं इनके अहदे देखें आप और इनके कारनामे देखें आप तो ये सब चीज़ें हमारे सामने आती हैं तो हमें अब ये चीज़ें पता चलती जा रही हैं कि ये जो पचास हज़ार जॉब्स का सिलसिला है इसमें कितना ज़्यादा जो है वो करप्शन है कितना ज़्यादा जो है वो ये सोच है लोगों की ख़ासतौर से जिनके पास कुछ अहदे हैं जैसे डी ई ओज़ हो गए इनके बारे में तो मुसलसल न्यूज़ आ रही हैं और ये बहुत ज़्यादा इरेलीवेंट एक्टिविटीज़ में इंडल्ज हो रहे हैं तो अब इस इस तरह की ये चीज़ें करेंगे तो यकीन जो है वो हमारे जो कैंडिडेट्स हैं जो व्यूवर्स हैं जितने भी अप्लाई करने वाले एप्लीकेंट हैं उन्होंने जिन्होंने अप्लाई किया जो कैंडिडेट्स हैं वो डिमोरलाइज तो होंगे और अंडरमाइंड भी होंगे दे हैव बीन अंडरमाइंड नो डाउट क्योंकि ये जब चीज़ें होती हैं तो लॉक ट्रामाटाइज होते हैं पीनालाइज होते हैं और वैसे ही आवाम आजकल फ्रस्ट्रेटेड है बहुत ज़्यादा मामलात ही ऐसे हैं टाइम भी बहुत ज़्यादा टेंशन का और आ, यू नो परेशानियों का चल रहा है जॉबलेस हैं लोग और कितनी मेहनत से वो स्ट्रगल करके कितने कितनी, -कितनी आप जो है उन्होंने स्ट्रगल करके कितने कितने पैसे जमा करा के जो है चालान भर के कितनी स्ट्रगल करके कितनी तैयारियां करके जो है वो टेस्ट दिए होते हैं गवर्नमेंट तो बहुत कमा लेती है आ, अगर देखा जाए तो चालांस की मद में ही इतना कमा लेती है लेकिन इन कैंडिडेट्स का कोई पुसान हाल नहीं है जो इतने अरसे जद्दोजहद कर रहे होते हैं लेकिन उनको उस, उसका आउटपुट नज़र नहीं आ रहा होता तो बार बार इतनी इतनी बड़ी तादाद में मेरे पास कॉमेंट्स आते हैं मैं आपसे क्या शेयर करूँ रोज़ाना की बुनियाद पर मेरी वीडियोज़ आपके सामने आ रही होती हैं उसमें ये सब चीज़ें मैं बता रहा होता हूँ तो लिहाजा आप खुद सोचें कि इस वक्त जो ये सिस्टम चल रहा है वो किस तरह का सिस्टम है लोग ये समझ रहे होते हैं कि बहुत आसान है जबकि ऐसा नहीं है इस प्रोसेस को बहुत मुश्किल बना दिया गया है लेकिन आ, अगर देखा जाए तो जहाँ पर भी ईमानदार डी होंगे वो लोग लकी होंगे और जहाँ पर इस तरह के बेईमान आ, कुछ आ, जो मौजूद होंगे जैसे कि दादू के डी के, के बारे में उसके कारनामे के बारे में हमने आपको बताया इस तरह के होंगे तो फिर क्या होगा कि वहाँ के लोगों के साथ जो है वो इंसाफ नहीं हो पाएगा तो लिहाजा इन चीज़ों को नज़र में रखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें और सेक्रेटरी साहब को भी कहा जाए कि भाई इनके पा खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि मामला निबट सके मेरी वीडियो शॉर्ट होती है लेकिन उसको मुझे लंबा यूँ करना पड़ता है कि मैं आपको कन्विंस कर सकूँ अपनी बात के तहत अपनी बातों के तहत ताकि आप उसको जो है वो सुने और उसके बाद आपके अंदर एक जज्बा पैदा हो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स जो है वो लोगों से शेयर करें और मेरे इल में भी लाएँ और मुझे भी अपनी राय दें कि मुझे क्या करना चाहिए जहाँ तक मैं जो कुछ करता हूँ उस लिहाज से अगर देखा जाए तो मेरी कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं जो है वो इसके बारे में बताता हूँ अपने हल्का अहबाब में जहाँ पर भी लोग मौजूद हैं तमाम लोगों को इससे आगाही फराम करता हूँ कि किस तरह का सिस्टम चल रहा है और आ, मेरिट पे क्या हो रहा है मेरिट पे क्या नहीं हो रहा है वो सब आपके सामने चीज़ें आती जा रही हैं और वक्त के साथ मजीद आती जाएंगी तो लिहाजा आज की वीडियो में यही कंक्लूड करूँगा नेक्स्ट टाइम इन एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा अल्लाह ने के